नमस्कार, पेंडलर अभिजीत चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है डेली 10 मिनट अगर आप होल बॉडी टैपिंग करेंगे तो आपका जो वाइटल ऑर्गन है वो स्टिमुलेट होगा और अच्छा फंक्शन करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका एंजाइटी कम हो जाएगा, माइग्रेन के प्रॉब्लम हेडेक होता है तभी वो भी कम हो जाएगा और आपका बॉडी में मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक ट्रैपिंग किसको करना चाहिए? ये ट्रैपिंग सब कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग एडल्ट सब ये ट्रैपिंग कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रनिंग करके आने के बाद, योगा करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद और किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं उसके बाद अगर टैपिंग करेंगे तो आपका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो टैपिंग आप बैठ के कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। यह टैपिंग करने से बहुत सारे आपको फायदा मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे होल बॉडी टैपिंग करना है। मैं सिर्फ 10-10 बार करके आपको दिखाऊंगा, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। तो शुरू करते हैं अपर लिम्ब टैपिंग से। अगर किसी को जिसको फ्रोजन शोल्डर हुआ है उनके लिए यह बहुत अच्छा है। देखिए कैसे करना है। 10 बार ठीक इस पोजीशन में टैपिंग करेंगे, थोड़ा फोर्सफुली करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा फोर्सफुली। उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद एक्सिला में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एल्बो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बैक साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिस्ट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्रंट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिंगर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो अपर लिम्स का हार्ड ज्वाइंट में आपको ट्रैपिंग करना है। उसके बाद हम करेंगे चेस्ट को ट्रैपिंग। चेस्ट को टैपिंग करने से आपका हार्ट का सर्कुलेशंस, ब्लड सर्कुलेशंस आपका अच्छा होगा, हार्ट स्टिमुलेट होगा और अच्छा फंक्शन करेंगे। उसके साथ साथ आपका लंग्स का भी स्टिमुलेशन होगा और आपका ब्रीथिंग, जो अगर किसी का ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ये अस्थमा है या शॉर्ट ब्रीथ है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा और आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, बहुत जेंटली करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो लेफ्ट साइड में 10 बार, राइट साइड में 10 बार टैपिंग करने से हार्ट और लंग्स को दोनों स्टिमुलेट होगा और दोनों का फंक्शन अच्छा होगा। उसके बाद हम करेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर को टैपिंग करेंगे। ये हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, यहां पे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी थोड़ा सा ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके लेफ्ट साइड में करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा ऊपर स्प्लीन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लीवर का काम को बढ़ाएगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा, गॉल ब्लैडर फंक्शन को बढ़ाएगा। अगर ऑयली चीज खाने से आपका खट्टा खट्टा ढेक आता है तो टैपिंग करने से गॉल ब्लैडर अच्छा काम करेगा और ये बंद हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में हमारा स्प्लीन है, करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और ये म्यूकस प्रोड्यूस होता है इस तरह, तो म्यूकस लेवल भी अच्छा होगा। अभी हम करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को टैपिंग करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा यहां से शुरू हो गया, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन होके नीचे चला जाता है स्टूल। तो इसी डायरेक्शन में हमें टैपिंग करना है। देखिए कैसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लार्ज इंस्टेंट को टैपिंग करने से आपका लार्ज इंस्टेंट स्टिमुलेट होगा, आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है लार्ज इंस्टेंट में वो अच्छा होगा, आपका अगर कंस्टिपेशन की बीमारी रहता है वो भी आपका ठीक होगा और म्यूकस भी पैदा होगा। तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपका कर्ब्स है, तो आप ये टैपिंग करके आपका लार्ज इंस्टेंट को भी ठीक कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप पीछे की तरफ किडनी को भी कर सकते हैं 10-10 बार करके टैपिंग। उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको थाई को कैसे टैपिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों साइड में करना है और ऊपर और नीचे करना है। इसमें करने से थाई का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसके बाद आता है नी में टैपिंग करते हैं, नी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नी का टैपिंग करने से आपका अगर आर्थराइटिस है, घुटने में स्वेलिंग है, सर्कुलेशन प्रोसेस वहां पे ठीक से नहीं हो रहे हैं, घुटना जाम हो गया, तो ये टैपिंग करने से वहां पे सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा और आपका धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो हार्ड जॉइंट का, बॉडी का हार्ड जॉइंट को आप टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग करने से उस जगह का सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा और जो भी ऑर्गन को कर रहा है वो अच्छा स्टिमुलेट होने के बाद उसका फंक्शन भी अच्छा होगा। अभी आता है मेन वाइटल टैपिंग का प्लेस, जो हमारा हेड है उसमें, जिसको करने से आपका एंग्जाइटी दूर हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, माइग्रेन या हेडेक होता है तो वो भी आपका कम हो जाएगा। तो देखिए हेड में कैसे टैपिंग करना है, बड़ा जेंटली करना है। जो हमारा फोर फिंगर है दोनों हाथ का, उसका टिप से हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे 20 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा सा नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी फ्रंट साइड में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक साइड में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा सा पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो वेरी जेंटली करना है, फिंगर से टैपिंग करना है, पूरा इस जो हेड है उसको टैपिंग करना है। ये टैपिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा सिर में, और आपका अगर वर्क के वजह से स्ट्रेस होता है या किसी भी कारण आपका स्ट्रेस आते तो ये काम हो जाएगा और आपको रात को नींद भी अच्छा आएगा। तो अगर डेली आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद आप टैपिंग कीजिए, आपका जो इफेक्ट है एक्सरसाइज का वो और बेहतरीन हो जाएगा। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, जो बैठ नहीं पाते लेटा हुआ वो लेटे लेटे भी टैपिंग कर सकते हैं। तो ये टैपिंग करने से आपका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आपका हार्ड ऑर्गन और एक्टिवेट होगा और स्टिमुलेट होगा और अच्छा फंक्शन करेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे मैं नया नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।